हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग नूसा पेनिडा के बारे में। तो मैं आपको ये आइलैंड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, फोर्ट के बारे में, आपके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में एंड एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं। हमने बुक किया था फ्लूक से, तो यहाँ से फास्ट बोट का टिकट वॉज 1100 रुपीज फॉर 2 पर्सन, जाने के लिए आने के लिए सेम 1100 रुपीज। तो काफ़ी रीजनेबल पड़ रहा। अगर आप यहाँ से बुकिंग करते तो ये लोग बोलते हैं 5 लाख रुपीज़ पर पर्सन एंड एवरीथिंग, एंड देन आपको बार्गेन करना पड़ता है। सो बेटर है कि आप फ्लूक से बुक कर दीजिए, आपका टाइम बचेगा। जैसे आपका बुकिंग होता है, आप यहाँ पे आइए काउंटर पे, उनको बस रिसीट दीजिए एंड आपको वो टैग और बोर्डिंग पास दे देंगे। तो यहाँ पे 3-4 वराइटीज़ है, सॉरी वराइटीज़ नहीं, 3-4 कंपनीज़ है, एक्सटोन, मारुति एंड पेनिडा एक्सप्रेस। ये था सनूर आर्बर। यहाँ पे आपको टिकट, आपका बोर्डिंग पास चेक कराना होता है, फिर आप अंदर जाते हैं चेक इन प्रोसेस के लिए। चेक इन प्रोसेस कुछ नहीं रहता है, बस आपको एक टैग लगाया जाता है आपके बैग पे कि आप कौन से कंपनी से ट्रैवल कर रहे हैं, सो दैट आप उनको पता चले कि ये बैग किस बोट को बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक साथ 2-3 बोट्स निकलते हैं तो कन्फ्यूजन रहता है, कभी बैग मिसप्लेस हो गया या कुछ हो गया, इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए रहता है। एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे अगर आप बोट से ट्रैवल कर रहे हैं बाली टू नूसा पेनिडा, 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स लगता है, पर इस ट्रैवल के दौरान आपको मोशन सिकनेस का बहुत इशू हो सकता है। अगर आपको पहले से ही इशू है मोशन सिकनेस का, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि आप आपका जो भी मेडिसिन रहेगा आप कैरी कीजिए, एंड आप कुछ भी फूड खाइए मत एटलीस्ट 1 आवर प्रायर टू द डिपार्चर, क्योंकि बाद में आपको बहुत तकलीफ होगा। एंड ये पूरा जर्नी, पूरे ट्रैवल में आपको ऐसा मोशन सिकनेस का फीलिंग कंटिन्यूज रहेगा, क्योंकि काफ़ी बम्पी रहता है, कभी कभी वेव्स बढ़े रहते हैं तो आपको इश्यूज होते हैं। ये था उसका हार्बर, वहाँ पे बोट्स लगे हुए हैं अलग अलग कंपनीज के, तो जनरली बोट्स 10 टू 15 मिनट्स लेट ही रहते हैं, आप पकड़ के चलिए। एंड आपको अगर जाने का रहेगा, उनको उन लोग बोलते हैं कि 1 आवर पहले आप आ जाइए, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं, आप 1/2 आवर टू 15 मिनट्स पहले गए तो भी चलेगा, क्योंकि बोट्स लेट रहते हैं। तो ये हमारी पेनिडा एक्सप्रेस निकल चुकी थी टू नूसा पेनिडा फ्रॉम बाली, तो लेट्स गो एंड आपको मैं बताता हूँ कि क्या सीन्स है, क्या नज़ारे थे। तो ये था, काफ़ी ब्यूटीफुल रहा है जो पूरा जर्नी आपका चला। तो मेरे को पेनिडा एक्सप्रेस का ट्रैवल काफ़ी अच्छा लगा था सेम्बाउ से। सो हम लोग आइलैंड पहुँच गए 30 मिनट्स के बाद। तो यहाँ पे आपको 25,000 IDR फ़ी पे करना पड़ता है पर पर्सन, ये आइलैंड फ़ी है, आपको एंटर करने का फ़ी है, किसी में भी ये इंक्लूड नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे आके कैश ही देना है, ऑनलाइन या कुछ ऐसा नहीं चलता है, तो आप ये चीज़ याद रख। तो जैसे ही आप आइलैंड फ़ी दे के बाहर निकले, आपको काफ़ी ऑप्शन रहते हैं टैक्सी, बाइक एंड एवरीथिंग। टैक्सी काफ़ी महंगा है नूसा पेनिडा में, मीन्स होटल एंड एंड अराउंड 7 टू 8 किलोमीटर्स के अंदर सब आपके होटल है, पर 7-8 किलोमीटर्स को जाने के लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपया लेंगे, बोलेंगे वो 2 लाख 3 लाख, बार्गेन करके 1 लाख में अमाउंट डिसाइड होगा, मीन्स विच इज़ अराउंड 550 रुपीज़ फॉर 7 किलोमीटर्स, काफ़ी महंगा है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उबूद में ही अपना सामान रखवा देते हैं, एंड यहाँ पे जितना 2 दिन का स्टे तो उतना ही सामान लेके आते, सो दैट बाहर आते ही डायरेक्टली स्कूटर रेंट दीजिए एंड जाइए। तो स्कूटर 70,000 से 70,000 नहीं बोल सकते, 80,000 से शुरू होता है, और उसके बाद आपको जैसा आप ऊपर का रेंज का स्कूटर लेके तो बढ़ेगा, तो सो दैट आपका 80,000 में वो दिन भी कवर होता है, नेक्स्ट डे 80,000, 1,60,000 में आपका टोटल कवर हो जाता है, एंड जाते जाते आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। पर अगर ऐसा नहीं होता, आपका लगेज काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको टैक्सी हायर करना पड़ता है, विच इज़ अब 80,000 का ये 1,60,000 तो ये हो गया, उसके बाद टैक्सी का आपका 1 लाख एंड जाने के लिए 1 लाख, तो टोटल 3,60,000 रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। तो इस चीज़ का याद रखना, सामान कम ले करना नूसा पेनिडा, सो दैट स्कूटर रेंट कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं गुआनगन वाटरफॉल। ये काफ़ी एक नॉर्मल ऐसा मतलब प्लेस है जहाँ पे वाटरफॉल आपको थोड़ा सा हाइक डाउन करना पड़ता है, 5,000 रुपीज़ इज ए पार्किंग फी। सेकेंड थिंग, ये पूरा सीक्रेट है, ज़्यादा पब्लिक में दिखेगा, सो इट वुड बी नाइस अगर आप विजिट करते। रोड्स काफ़ी डेंजरस है यहाँ पे, गाड़ी आप अच्छा चूज़ करना। सो आगे देखते फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको सराउंड पहनना पड़ेगा, यहाँ पे विजिटर्स है लोकली वो लेते पहले कुछ भी रेट बताएंगे, पर वहाँ आप बोलिए 15,000 फॉर 2 पर्सन लेडीज जेंट्स, डजंट मैटर, आपको सराउंड पहनना ही है, क्योंकि नीचे एक मंदिर है वाटरफॉल के, स्टेप काफ़ी स्टीप है, तो मैं आपको स्टेप्स का थोड़ा सा ही व्यू दे दूँगा, उसके बाद मैं नीचे एंजॉय करूँगा तब का व्यू दे दूँ, और ये व्यू यहाँ से। तो काफ़ी रिस्की था इसका वे, मैं आपको बता दूँ, एंड 10 मिनट्स में आप नहीं जाते, आपको एटलीस्ट 20 टू 25 मिनट्स लगता है नीचे जाने के लिए, क्योंकि इतना रिस्की भी है। देखिए, हम लोग 90% ऑलमोस्ट हाइक डाउन कर चुके थे, और उसके बाद हमारा हिम्मत नहीं हुआ आगे जाने का, क्योंकि वहाँ से जा तो हम लोग पहुँचे थे, वहाँ से भी काफ़ी लंबा था, व्यू वॉज ब्रेथ टेकिंग नो डाउट, पर इतना रिस्की था नीचे जाने के बाद। आप पहले तो अभी मेटल स्टेप्स है, उसके बाद तो आपको वुडन स्टेप्स रहते, तो वो
हिलते रहते कंटिन्यूस, आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ था वो इन्फिनिटी पूल, तो वहां से हमने चेकआउट किया क्योंकि हमको नहीं जाना था वहां पे। थोड़ा देर टाइम पास करने के बाद हम निकल चुके थे हमारे अगले बीच की तरफ, दैट वॉज डायमंड बीच एंड आतू बीच। दोनों भी बीच बाजू बाजू में, काफी सीनिक व्यू है, काफी सीनिक रास्ते, पर एक चीज याद रखिए उतने ही डेंजरस भी। पूरे नूसा पेंडिडा में रास्ते काफी डेंजरस है। डायमंड बीच एंड आतू बीच दोनों बाजू बाजू में, कुछ थोड़ा सा व्यू चेंज होता है क्योंकि एक डायमंड का आपको डायमंड शेप का एक स्टोन दिखता है, बस उतना ही फर्क है। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हम पहुंच चुके हैं आतू बीच। आतू क्लिफ पहुंचे, बीच पहुंचने को 10 मिनट लगता है। 35,000 इज अ पर पर्सन एंट्री फी एंड 5,000 इज अ पार्किंग चार्ज। रास्ता काफी डेंजरस है, सो लेट्स। आपको आतू बीच आने के लिए एटलीस्ट 45 मिनट्स लग ही जाएगा क्योंकि रास्ता एकदम स्टिफ है, एंड आराम से आना बहुत डेंजरस है। आतू बीच नीचे जाने के लिए टोटल 10 मिनट्स लगेगा, सो लेट्स सी नीचे जाके। अभी भीड़ ने मिले ना मिले, पर नीचे जाके तो आते हैं। सो ये है रास्ता आतू बीच के लिए। प्रॉपर वॉक वे नहीं है, जैसा ये ट्रेल्स रहता है विलेजर्स का वैसा है, तो स्ट्रेट जाते रहने का। सो काफ़ी संभाल के चलना, 10 मिनट्स लगते हैं नीचे जाने को ऐसा बोला है। सो अपन पकड़ेंगे 15 मिनट्स एंड आने के लिए हाफ एन आवर लगेगा। स्टेप्स काफ़ी बड़े हैं एंड कुछ सपोर्ट नहीं है, इसके लिए आराम से चलना। मैं अभी बाद में आपको वीडियो में बताऊंगा क्योंकि रिस्की है। तो अब पहुँच चुके हैं हम लोग आतू बीच फाइनल स्टेप से। आप देख सकते हैं यहाँ पे सनबेड्स एंड एवरीथिंग है। रास्ता आना तो काफ़ी डेंजरस है, आने के लिए 10 मिनट्स लगेगा पर जाने के लिए मिनिमम 40 मिनट्स के ऊपर ही लगेगा क्योंकि स्टेप्स का जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो लेट्स सी कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए, अभी फिलहाल तो एंजॉय करते हैं। तो फिर ये था आतू बीच, इसी के साइड में है डायमंड बीच। डायमंड बीच का तो रास्ता और भी काफ़ी डेंजरस है। ये व्यू वॉज ब्रेक टेकिंग। आप आतू बीच आइए क्योंकि आतू बीच में आपको सनबेड्स है, काफ़ी कम पब्लिक रहता है। डायमंड बीच पे भी कम रहता है क्योंकि डायमंड बीच का हाइक और भी ज़्यादा डेंजरस है। डायमंड बीच नीचे जाने के लिए आपको 40 मिनट्स मिनिमम लगता है क्योंकि वहाँ पे स्टेप्स और भी डेंजर है। यहाँ पे भी तो अभी आपको प्रॉपर एक स्टेप्स था सो दैट उतना आपको इश्यूज नहीं हुआ, पर डायमंड बीच में तो आपको वाट लग जाएगा। एक चीज़ याद रखें, नूसा पेंडिडा में अगर आपको हर बीच में नीचे उतर के एंजॉय करना है तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 डेज नूसा पेंडिडा में रुकना पड़ेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता। तो हम बाद में आ चुके थे टेम्बलिंग वाटरफॉल में। टेम्बलिंग वाटरफॉल में ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको बाइक चेंज करना होता है क्योंकि आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है यहाँ पे, वो काफ़ी रिस्की था। तो वहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया वहाँ पे जैसा था, उधर आप 75,000 IDR दीजिए, वो आपको बाइक से नीचे लेके आएंगे एंड आपके साथ 1 to 1 आवर रुकेंगे और उसके बाद आपको फिर से ऊपर भी लेके जाएंगे। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो आप बिंदास आ सकते हो, कुछ इशू नहीं है। पर आप देख सकते हैं ये रास्ता काफ़ी रिस्की था क्योंकि प्रॉपर रास्ता ऐसा ऐसा नहीं था, बस ऐसे मट्टी डाल के एंड यू हैव टू राइड। तो आपको काफ़ी कंट्रोल लगता है बाइक पे एंड दोनों साइड सपोर्ट नहीं है तो आपको वो रिस्क भी रहता है कि आप गिरिए या आपके पास कोई पिलियन है, तो ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है, तो काफ़ी हिली स्लोप्स थे। मीन्स अगर आप नीचे जब उतरते तब आपको ब्रेक्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए क्योंकि इतना स्टिफ स्लोप है, कंट्रोल होता नहीं दोनों साइड पे। उसका जो वेज है वो आप देख सकते हैं काफ़ी डेंजर है। बीच में थोड़ा सा सीमेंटिंग का पैच है पर वो भी अनइवन है, तो आपको काफ़ी टाइम भी लग जाता है। मीन्स 3 किलोमीटर्स का हार्डली पैच है पर काफ़ी रिस्की है। तो अगर आपको नहीं रिस्क लेना है आप जाइए सीधा हायर कर दीजिए, 75,000 आइडिया दीजिए और आप पीछे आइए पर पर्सन, तो फिर आप एंजॉय कर सकते हैं। वरना आप अगर कॉन्फिडेंट है तो आप आराम से आ सकते हैं। आप देख सकते हैं वे कैसा है। तो इशू एक ही है कि यहाँ पे बाइक्स अगर आपका पावरफुल ब्रेक वाला रहेगा तो आप बिंदास उतर जाइए। तो ये था टेम्बलिंग बीच, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्लेस है। ये एक नेचुरल पूल था एंड यहाँ पे था बीच, साइड में आपको बीच का भी एक्सेस था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रेथ टेकिंग व्यूज था। तो टेम्बलिंग बीच एक ऐसा बीच था कि पूरे नूसा पेनिडा में इजीली आप हाइक डाउन नीचे कर सकते हैं। 10-15 मिनट्स इज मोर देन इनफ टू कम डाउन फ्रॉम द पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया था आपको और टाइम लगता है वो 3 किलोमीटर्स करने के लिए। तो एक चीज़ याद रखिए ये बीच पर आप जरूर नीचे आइए, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा प्लेस है, एंजॉय करेंगे। टेम्बलिंग बीच में एंजॉय करने के लिए इतना ही एक पूल है, बाकी कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग जाके आ चुके हैं टेम्बलिंग बीच। सो आपको बता दूँ वहाँ पे नेचुरल पूल है, आप वहाँ पे भीग सकते, बीच पे भी जा सकते, पर नेचुरल पूल में काफ़ी मज़ा आता है। 10,000 इज़ दी एंट्री फी फॉर दैट। सेकेंड थिंग, यहाँ का रास्ता काफ़ी स्कैरी है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, काफ़ी स्कैरी है। सो अगर आपका गुड कंट्रोल है बाइक पे
कॉन्फिडेंट हो तो ही आना, नहीं तो न जाना। पिलियन रहेगा तो पिलियन को उतार देना, जो पीछे बैठा रहेगा उसको उतार देना, देन अब गाड़ी चलाना। तो ये था टेम्पलिंग बीच, लेट्स गो नाउ टू द केलिंगगेम बीच। तो ये था केलिंगगेम बीच। केलिंगगेम बीच में भी बहुत जन नीचे तक जाते हैं, आपको जो कर्व दिख रहा है वहाँ पे सब लोग रहते हैं, पर यहाँ का हाइक तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। 1 आवर ऑलमोस्ट लग जाता है नीचे जाने का, क्योंकि इसमें प्रॉपर वे नहीं है, बस जहाँ पे खड्डा गिरा है वही स्टेप से आपका एंड आपको जाना है। काफ़ी रश रहता है। अगर आप दोपहर का जाने का सोच रहे तो आप भूल जाइए, क्योंकि इतना ह्यूमिड था क्लाइमेट, कंटिन्यूस आपका पसीना आते रहेगा और इतना भीड़ रहता है ना। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आप सुबह 7 o'clock को स्टार्ट कीजिए। एंड देन हम लोग वहाँ से निकल गए थे ब्रोकन बीच के लिए। तो ब्रोकन बीच ऐसा कोई बीच नहीं है, बस आपको जाना है वहाँ पे, एक छोटा सा ऐसा नेचुरली फॉर्म हुआ है, एक कर्व फॉर्म हुआ है, वहाँ से पानी अंदर रहा है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। उसी के बाजू में आपको एंजल बिलावोंग है, तो वो आप दोनों एंजॉय कर सकते। एंजल बिलावोंग में आप भीग सकते, ब्रोकन बीच में आप भीग नहीं सकते। सो और इसका ब्रोकन बीच का रास्ता तो काफ़ी मतलब काफ़ी गंदा रास्ता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको लास्ट का 2 किलोमीटर चलाने को इतना कंटाला आ जाएगा कि आप बोलेंगे कि क्यों आए, इतना ख़राब रास्ता है। तो एक चीज़ याद रखिए, आप आए हो एंजॉय कीजिए एंड जाइए। व्यूज फ्रॉम द ब्रोकन बीच एंड द एंजल बिलावोंग इज ऑसम। सामने आपको ब्रोकन बीच दिख रहा है, ये था। काफ़ी बड़े वेव्स रहेंगे ना तो ब्रोकन बीच देखने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि वो जो गैप रहते हैं वहाँ से जब पानी फोर्स में आता है, जब टकराता है माउंटेन से, तो काफ़ी मज़ा आता है। आप जो आदमी लोग छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, तो वो होता है एंजल बिलावोंग, वहीं पर नीचे एक नेचुरल पूल है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। ब्रोकन बीच से एंजल बिलावोंग जाने को हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये था ब्रोकन बीच, ऐसा नेचुरली कर्व फॉर्म हुआ, तो जब वेव्स खड़े रहेंगे तब इसका व्यू देखने को काफ़ी मज़ा आता है। और यह सनसेट दूसरे साइड पे होता है, पर यहाँ से भी देखने को काफ़ी मज़ा आता है। तो मैं आपको थोड़ा खाने के बारे में बता दूँ, तो यहाँ पे खाना जनरली वारूंग से मिलता है, काफ़ी कॉस्टली है। सीक्रेट पेनिडा करके एक रेस्टोरेंट है, हार्बर से कुछ 5 to 7 किलोमीटर है, काफ़ी अच्छा है, आप वहाँ पे फूड ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आए थे, ये यहाँ का भी फूड अच्छा था। एक चीज़ प्रोटिप याद रखिए कि आपको कुछ भी करके 6:30 तक यू हैव टू गेट बैक टू योर होटल, क्योंकि यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है, नो स्ट्रीट लाइट नथिंग। हम भी अटक गए थे, बारिश कभी भी होता है, हाफ एन आवर के लिए होगा पर कभी भी होगा। एक चीज़ याद रखिए, ट्रॉपिकल आइलैंड है, कभी भी बारिश होता है। सो आप 6:30 को कुछ भी करके आपके होटल में बैक हो जाइए, क्योंकि बाद में अंधेरे के बाद कुछ दिखता नहीं, काफ़ी रिस्की लगता है सबवेज। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं फ्रॉम नूसा पेनिडा बैक टू दिबाली। हम लोग का स्टे है जिम्बारम में, काफ़ी अच्छा होटल बुक किया, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। यहाँ पे अभी कुछ आपको बैगेज चेक इन वगैरह मीन्स आपको कुछ सिक्योरिटी चेक से नहीं जाना पड़ता, डायरेक्टली आप काउंटर पे टिकट दे दीजिए, आई मीन बुकिंग आई डी दे दीजिए, वो आपको टिकट दे देंगे। एंड मैंने सब जो भी बुक किया था क्लूक से किया था, तो मुझे बहुत सस्ते में पड़ा था, 1134 समथिंग दोनों का प्राइस हो चुका था। सो इट वॉज मीन्स काफ़ी सस्ता था, क्योंकि इधर आपको 2.5 लाख रुपया पर पर्सन देना पड़ता है, विच इज़ एंड एन अराउंड 1000 रुपीज़ पर पर्सन, 1000 में तो हम लोग दोनों का भी होता है। तो फ्रेंड्स आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है नूसा पेनिडा आइलैंड, जिधर हम लोग हैं। जो साइड में दिख रहे हैं आपको पीछे के साइड पे, वो है नूसा सेनिंगन एंड उसके साइड में है नूसा लैम्बोंग। तीनों भी आइलैंड आप जा सकते हो, आई मीन नूसा पेनिडा तो आप आते ही हो। नूसा पेनिडा से आपको सेनिंगन जाने के लिए फेरी करना पड़ता है, 15 मिनट्स का रहता है। उसके बाद आप नूसा सेनिंगन से लैम्बोंग ब्रिज से जा सकते हो, अगर आपने स्कूटर रेंट किया तो दोनों आइलैंड एक्सेसिबल है, पर ज़्यादा पॉइंट नहीं उधर, इसके लिए कोई ज़्यादा जाता भी नहीं, हार्डली 1 डे में आपका सब कवर हो जाएगा दोनों भी। तो अगर आपको जाना रहेगा तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो।